और देखिए मैं इनकी मम्मी आई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो आए 3 बजे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है मॉर्निंग के 6 बजे से। तो अभी देखिए धूप भी नहीं आई है, तो मैं देखिए सुबह सुबह नहा गई आज, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं सुबह सुबह क्यों नहाई आज। चलिए पहले बना लेते हैं नाश्ता। चलिए भाई चलते हैं अब। गोलू रुकने का नाम नहीं ले रहा, रुक जा गोलू रुक जा। ये गोलू तो मैं कहता बार बोले रुक जा रुक जा, हैं इन टाइम पर आकी एक दिन भी नहीं रुक है। तो अभी टैक्सी आने वाली है और मैं जा रही हूँ गोलू को छोड़ने सड़क में। शिवांश बोल रहा है मैं भी जाऊँगा, कल भी रो रहा था और आज भी रो रहा है, इसलिए इसको भी लेके जा रही हूँ मैं सड़क में। गोटा कहाँ गया जा? अच्छा बाय 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 बाय। अभी हम सड़क में रुके हुए हैं और छोटी दादी है वो भी गढ़ के जा रहे हैं, तो अभी टैक्सी नहीं आई है, तब तक हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी शिवांश कल से गोलू के पास नहीं गया और आज आया वो, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं भी जाऊँगा उसके साथ टैक्सी में, है ना? है ना शिवांश, है ना जा रहा है ना तू? जाएगा ना। अभी उठा सो के और हम आ रहे थे, तो वो रोने लग गया कि मैं भी जा रहा हूँ। देख गोलू हमारे गांव में सारे देख गने भाई वो नहीं जानो वो तुम तक हम पुल तो इना पके रोड हम चो इने बाल तो वो गढ़ के पुल बिठे गढ़ के तो रोड उत। देखिए हमारे गांव में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2-3 4 प्लेटें लगी है। टैक्सी नहीं आई अभी तक, तो हम जा रहे हैं घर और गोलू और जा रहे हैं पैदल पैदल, क्या पता आगे मिल जाएं, तो जहाँ पर मिल जाएगी वहाँ पे वो बैठ जाएंगे गाड़ी में। तो अभी तो निकल गए हैं, टाइम हो गया ज़्यादा 8:30 हो गए हैं, फिर उसे पौड़ी से गाड़ी नहीं मिलेगी इसलिए वो चले गए। ₹20 गठी देना 20 रुपए ये तो बड़ी गठी है ये गठी है दोस्तों मैं बता मतलब। तो दोस्तों जैसे ही हम घर में आए वैसे गाड़ी आ गई थी, तो गोलू और भी थोड़ी दूर गए तब तक गाड़ी आ गई थी, और बाकी गोलू आया था मेरी मतलब जो बंधन कर रखा था 3 महीने का वो खोलने के लिए आया था वो। तो दोस्तों जो उत्तराखंडी होंगे उनको तो पता होगा कि 3 महीने का बंधन क्या होता है, पूजा वूजा होती है तो 3 महीने का बंधन होता है, तो वो खोल लिया है आज। तो उसको जाना था दूसरी जगह तो इसलिए वो नहीं रुका आज। तो अभी हम शिवांश और मैं अकेले हैं दोनों के दोनों, और मेरी हो गई है खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में बना रही हूँ मैं कफली और भात, मयंक की मम्मी से लेके आई थी मैं राय के पत्ते, और अभी मुझे गांव में भी जाना है। मयंक की मम्मी के पास मैंने कल करवा चौथ का सामान मंगाया था, तो उसे लेके आना है, और बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या क्या लाए हैं। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। शाम के बज गए 4, और देखिए मयंक की मम्मी आई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो आए 3 बजे, मैंने लगा ली मेहंदी और थ्रेडिंग भी बनाई मैंने उनकी। तो कैसे लगी मेहंदी कमेंट करके ज़रूर बताना।
कैसे लगी है। वैसे मुझे आती नहीं है लगानी, थोड़ी बहुत ऐसी मतलब लगा लेती हूँ। और अब मुझे अपनी भी बनानी है थ्रेडिंग, अपनी लगाऊंगी मेहंदी, तो देखते हैं कब तक लगाती हूँ मैं। बाय बाय, मैं जा रही हूँ घर, कल मिलना, कल देखना आप इनको कैसी लग रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा करवा चौथ का सामान। तो ये तो मेरा है, ये मेहंदी की गिप, ये चूड़ियाँ मेरी है, और ये सगुन के लिए मैंने जी के लिए ला रखा है। तो ये सिंदूर है और क्लेचर, और ये रबड़, और ये चूड़ियाँ, और ये नेल पेंट, ये देख सकते हैं आप। और ये रही सूट, इस बार मैं सूट दूंगी, हर बार इसी में है सारा सामान। और जो प्लेट और उसके साथ लोटा और एक छन्नी रहती है, वो मैंने पूरा सेट लिया था। तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था जब, तब से मेरे पास है, तो अभी वो ख़राब भी नहीं हुआ, नहीं आई है, तो इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा है। ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने थ्रेडिंग तो कर ली है, बाकी ब्लीच वगैरह मैं रात को करूँगी, और मेहंदी भी मैं रात को लगाऊँगी। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आ गए हैं अपने कमरे में, और रात के बज गए हैं 9। तो शिवांश की दादी अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, और मैं अभी ब्लीच करूँगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊँगी, लेकिन शिवांश मुझे करने नहीं देता कुछ भी। ये देख सकते हो दोस्तों आप, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, पर फिर भी मैंने ऐसे थोड़ी बहुत लगा ली है, और पैरों में भी मैंने लगा ली है, और भी शिवांश से बच बच के, क्योंकि मेरे पास आ रहा है बार बार। और अभी मैंने जी की मेहंदी भी लगानी है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है मेहंदी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय।